ये तो ये एक मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही ये एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये पानी देख रहे हैं पहाड़ों से आ रहा है। अच्छा मैं आगे आपको कम्प्लीटली वीडियो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन पानी आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ अभी। ये देखें ऊपर से, ऊपर से आ रहा है, ऊपर का माहौल देख रहे हैं आप, ठीक है। इस तरफ देखें, अभी मैं आपको कुछ लाइव मनाजर आगे भी दिखाऊंगा। ये चश्मों का पानी है जी, ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से। ये देख लें मेरे मारन, इसका जायका भी ठीक है। मुझे तो चश्मों का पानी ऊपर से आता है, मैं अभी आपको कुछ लाइव मनाजर दिखाता हूँ जी। तो ये ऊपर ही एक सीन है जी, यानी कि एक सीनरी बोल रहे हैं इसे, सीनरी दिखाई दे रही है अगर दूर से देखें इस चीज़ को। तो ये ऊपर है जी, एक आबशार है जी बनी हुई। तो मैं आपको ना इसके बाद नीचे से लाइव मनाजर दिखाऊंगा, यानी कि रोडों की चढ़ाई कितनी खतरनाक है यहाँ पर वो भी। लेकिन ऊपर किला नुमा एक बना हुआ है, नीचे देख लें आबशार पानी की। रात को यहाँ पर पानी चलता है, लाइटिंग वगैरह चलती है। तो अभी हम नीचे से शुरू होंगे जी, यानी कि नीचे से जाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो लाइव मैं आपको ऊपर तक के मनाजर दिखाता जाऊंगा भाई। तो रोड देख लें और ऊपर से मौसम देख लें, माशाल्लाह मौसम काफ़ी खूबसूरत है। आपको पता है जी जिजान मुंतका जिजान एरिया में 10-12 दिन से जो बारिशों का सिलसिला जारी है। तो आगे आबशारें जो चल रही हैं वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। यहाँ पर हम ना एक अभी इस तरफ जाओ भाई, हाँ इस तरफ आपको मैं ना दरमियान में से यार वीडियो दिखाऊँगा। एक आबादी के दरमियान में से गुजर रहे हैं, ये रस्ते में पड़ती है। तो एक तो आप सड़क देख लें, बिल्कुल क्लोज सिंपल, यानी कि छोटी सी सड़क बनाई गई है, यानी कि एक ही गाड़ी अगर आगे से दूसरी गाड़ी आ जाए तो फिर मुश्किल से गुजरेगी। तो आप देखते जाएं जी, यहाँ पर इस तरफ जाना भाई, हाँ इस तरफ कच्चा रास्ता है जी ये, इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये मैं सीन क्यों दिखा रहा हूँ, ये देखें जी नीचे जो सीन आएगा। मुझको लग रहा था कि ऊपर जाना होगा यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से भाई नीचे को रास्ता जा रहा है, यानी कि इस नीचे वादी है जी पानी वाली, इसे वादी कसा बोलते हैं। तो मशहूर मरूफ वादी है ये भी, तो इसके अंदर से गुजरेंगे। देखें ये पानी चल रहा है और ये चश्मों का पहाड़ों का पानी है भाई, किसी और चीज़ का नहीं होता है। कोई आगे ऊपर कोई नहर वगैरह या ऐसा कोई दरिया वगैरह ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिंपल पहाड़ों का पानी ऊपर से आ रहा है और ये वादी के अंदर से चल रहा है। तो अभी बारिश रुकी हुई है कल से, इसलिए थोड़ा कम था, वरना ज़्यादा होता। आगे रोड देख लें, हम जा रहे हैं आगे आगे। मैं आप भाइयों को लाइव मनाजर कुछ दिखाता जाऊँगा। और खूबसूरती जो फीफा की है भाई, वो तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। यानी कि ऊपर के वो पहाड़ आप ऊपर देख रखे होंगे भाई, वहाँ से आपको लाइव मनाजर दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह रोड देख ली, यहाँ से डबल रोड आपको दिखाई दे रहा होगा और साफ सुथरा बिल्कुल। लेकिन आगे जो रोड के सीन है ना भाई, वो आपको मैं अभी आगे जाते जाएंगे तो आपको आगे दिखाता जाऊँगा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन आप भाई भी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी यार मज़ा आएगा। तो डबल रोड आप देख लें, बहुत जैसे कि हम किसी सिटी में से गुजर रखे हैं, लेकिन आगे थोड़ा चलते हैं फिर आपको मैं कुछ लाइव मनाजर दिखाता हूँ भाई। तो अभी डबल रोड भाई देख लें, वो सामने ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। वो पहाड़ देख रहे हैं जी ऊपर आप पीछे, इन पहाड़ों के ऊपर तक हमको हमने जाना है। तो यहाँ से देख लें, ये पहाड़ी को काटकर ये रोड बनाया गया है जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और हमारी गाड़ी की स्पीड भाई इस वक्त बिल्कुल 20-30 के करीब हो चुकी है, यानी कि चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। नीचे आप देख लें सब्ज़ा माशाल्लाह कितना है, पहाड़ों का नज़ारा करें आप भाई। तो देख लें आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ कुछ मनाजर, और हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। तो आगे देख लें रोड माशाल्लाह, देखें आप आस्ता आस्ता ऊपर ही जा रहा है। और सब्ज़ा देखें जी, जैसा कि आप पाकिस्तान में कि अब गिलगित बोल रहे हैं, चतराल बोल रहे हैं, इन इलाकों में घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सऊदी अरब का गांव ही इसे बोलेंगे। और ये रोड देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से भाई ये रोड मूव होता है दूसरी साइड पर, और बहुत ही ख़तरनाक। अभी ये देखें यहाँ से इस तरफ भी जा रहा है, तो आप यकीन करें कि ख़तरनाक किस्म के मोड़ हैं और ख़तरनाक किस्म की चढ़ाइयाँ हैं। अगर आपका विज़िट किया हो किसी भाई ने तो उसको तो पता होगा, बाकी आप लाइव देखते जाएंगी। तो आप जो मैं एक चीज़ बता रखा था कि यहाँ जो आगे जो भाई लगती है ना चेक पॉइंट वगैरह, ये मैं सीन आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। आगे आपको और भी माशाल्लाह सीन दिखाता जाऊँगा। तो चेक पॉइंट वगैरह जो पाकिस्तान, ये माशाल्लाह रोड देखेंगी, और ये शायद आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता मैं वो सीन, यानी कि चढ़ाई वाले। ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई है जी, एकदम से चढ़ाई पड़ती है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। तो भाई चेक पॉइंट भी रस्ते में दो आती हैं, ये देखने चढ़ाई माशाल्लाह, ये देखें जी। तो दो चेक पॉइंट आती हैं, एक अस्करी आर्मी की है और एक शूटों की है, ये जहन में रखिएगा। यहाँ आप फीफा के ऊपर जा रहे हैं, यमन बॉर्डर वाली साइड का एरिया है।
तो बैक साइड पर देख लें, अभी ये हम हाइट के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा आगे जाता हूँ और आप भाइयों को दिखाऊंगा। तो इससे ऊपर भाई फिर हाँ, जबल कैसे हशर पहुंचे तो बोलते सही हैं, है यार ये और कारगिल। बहुत से शहर हैं, लेकिन वो इससे काफ़ी आगे और दूसरी तरफ हैं, लेकिन हम फीफा की तरफ घूम रहे हैं। तो वरना अगर हम सब भाई घूमेंगे तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पर तो हमको 3-4 दिन लगेंगे ये तमाम तर पहाड़ जो हैं ये घूमते हुए। लेकिन जो लाइव सीन है मैंने आपके साथ वही शेयर करने हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह, ये देखने इस तरफ को, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हम चले हैं इधर से। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा लाइव सीन दिखाऊंगा नीचे से, जो आबादी है नीचे, आप पहाड़ियों के ऊपर से नीचे जो आबादी है वो देखिएगा आपके भाई हम कितना ऊपर आए हैं इन पहाड़ों में। तो भाई अगर आप फीफा का विज़िट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा ज़रूर आएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा भाई कि वो ये है मेरे दोस्त के, आपको फीफा जाने के लिए अपनी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, ये नकल जमाई वगैरह जिसे हम बसें वगैरह बोलते हैं वो नहीं जाती हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ना ही कोई रास्ता और है, जैसा कि ताइफ की तरह हम चले जाएं तो आपको पता है जी ताइफ हदा रोड से नहीं जाती है नकल जमाई, लेकिन सेल कबीर वगैरह से चली जाती है। वो नीचे आबादी देखने ये आपको दिखाई दे रखी होगी, यहाँ से धुंध छाई हुई है और आबादी देखें यहाँ से कितनी नीचे है। तो भाई यहाँ पर बसें वगैरह नहीं आती हैं आपको माशाल्लाह, ये अभी रोड देखें कितना ख़तरनाक है। देखें जी मैं लाइव आपको मनाजर, अच्छा मैं आगे ना आपको बंदरों के लाइव मनाजर भी दिखाऊंगा, यहाँ पर बंदर भी बहुत हैं। तो आपको अपनी गाड़ी लेनी होगी या फिर भाई टैक्सी, कोई टैक्सी भी नहीं जाती है, टैक्सी भी आपको कोई बुक करवानी होगी स्पेशल। तो जो कुछ सऊदी हजरात जाते हैं ऊपर, क्योंकि ये गांव है ऊपर कोई बड़ा शहर नहीं है, जो सऊदी हजरात जाते हैं जी ऊपर वो गाड़ी में कोई बैठा ले, वरना टैक्सी वगैरह जो स्पेशल होती है वो नहीं जाती है जी यहाँ पर। ये मैं जैसे कि जी, तो जब ये हम फीफा से नीचे उतर रहे हैं ना, तो नीचे वाली साइड पर ये पानी है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ये जब हम नीचे उतरते हैं फीफा से तो नीचे वाली साइड पर ये वादी चल रही है, आप देख लें इसकी बहाव देख लें पानी का। तो ये ऊपर से पहाड़ों का पानी आ रहा है, इसमें थोड़ा मिट्टी मिक्स हो जाती है, बाकी अगर ऊपर चश्मों पर जाएं हम तो हमको ये साफ़ मिलेगा बिल्कुल, लेकिन नीचे आते आते ये भाई तो इसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है थोड़ी, बाकी आप देख लें बिल्कुल साफ़ है। यानी कि साफ से मुराद ये है कि इसमें गंद बूंद नहीं है, कोई बोतलें कोई शापर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं है। इस तरफ देख लें जी, और ये पानी का बहाव फिर आगे जाता है इस तरफ, ये वादी है एक बड़ी लंबी आगे तक जाती है। तो जब बारिशें होती हैं उस टाइम तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी कल शाम को बारिश हुई थी तो आज बारिश नहीं है, लेकिन ये बारिशों का पानी आप देख लें, और ये चलती रहती है, पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है चश्मों का, वो भाई चलता रहता है फिर रुकता नहीं है। तो ये लाइव मनाजर थे फीफा का जो मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन गया तो आप भाइयों के साथ मुकम्मल डिटेल से फिर एक और वीडियो शेयर करूंगा। आगे वादी देख रही माशाल्लाह, देखें आप भाई ये दूर तक जाती है पहाड़ों के दरमियान में से, तो इसका बहाव माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है, आपने देख लिया है, इधर पीछे से आ रही है लंबी बिल्कुल, तो ये जाती भी बहुत आगे तक है। तो सऊदी अरेबिया मुंतका जिज़ान फीफा जो मेरे भाई विज़िट कर चुके हैं उनको पता होगा, वरना आपने नाम तो सुना ही होगा जी, फीफा मुंतका जिज़ान यमन वाली बॉर्डर की साइड के ऊपर।